टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। किस तरह से तोड़ा जा रहा है कोरोना नियम, करीब 200 लोग एक ढाबे में बैठकर पार्टी मना रहे हैं। इन्हें कोरोना से कोई डर नहीं है, सारे नियम कानून ताक पर रखकर ये ढाबे में पार्टी का जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें कि ये ढाबे की तस्वीरें जिसमें पार्टी हो रही है, ये भिवंडी के मोहम्मद अली ढाबे की है। प्रधानी चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रही है और उसकी पार्टी भिवंडी शहर के मोहम्मद अली ढाबे में हो रही है। मगर सवाल उठता है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन किस तरह से यहाँ किया जा रहा है। इसी भिवंडी शहर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि मास्क न लगाने पर किस तरह से एक युवक की पुलिस ने पिटाई की थी। मगर वहीं अब उसी भिवंडी शहर में एक ढाबे पर करीब 200 लोग पार्टी कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, मगर पुलिस काफी देर बाद पहुंची। काफी देर बाद पुलिस जरूर पहुंची, मगर सबको डंडे मार के वहां से भगाया गया और बताया जा रहा है कि ढाबे वाले पर कार्रवाई भी की गई। कितने लोगों के अंदर लगभग? मैं इस वक्त मौजूद हूँ भिवंडी शाविंदा रोड अलीन ढाबा, जो गार्डन तंदूर के बाजू में है। यहाँ पर गार्डन में इस वक्त एक पार्टी चल रही है, जो एक बॉम्ब इलेक्शन पार्टी है जो यूपी में हो रही है। और ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला बंदा जो है अकरम खान है, जो कुर्ला में रहते हैं। उन्होंने ये पार्टी दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि खुलेआम जो है लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। आपको कैसे मालूम है बॉम्बे के लोग? जी, हमने अंदर आकर पूछताछ की तो हमको बताया गया कि ये जो है वहाँ से आए हैं, ये बंदे ने पार्टी दी है। और यहाँ पर हमने कई बार पुलिस स्टेशन में भी कॉल किया, पर अब तक के प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा हो गया। तुम्ही काय बघितलं इकडे? मी आता इथून जात होतो घरी, कामावरून सुट्टी झाली माझी, ओल्डा में होता माझा, जरा थांबलेलो 15-20 मिनिटांसाठी, जात होतो घरी। तिथून ना ढाब्यासाठी माणसं घुसत होते आतमध्ये जेवायला, तर बघितलं तर 500-700 माणसं आतमध्ये जेवण करतात। म्हणजे गरिबांना लॉकडाऊन, आमच्या लॉकडाऊन इथं आमची दुकानं बिकाने बंद होतात, नाही ना जेवण बिवून करायला लॉकडाऊन नाही का? किती माणसं होती? 400-500 माणसं होती, ज्याच्यावर जास्तीत जास्त माणसं तो ढाबा मोहम्मद अली ढाबा आहे। गाडीवर सगळे बाईकवर गेले, टिपल टिपलचे चोवळ चोवळ जातात आतमध्ये, त्यांना कोरोना नाही होणार, आम्हाला कोरोना होणार आहे का? क्या देखा तुमने यहाँ पर? सर यहाँ हमने देखा अभी कुछ लोग आए थे, 1-2 जन थे, तो वो लोग गए अंदर और हमने पुलिस को कॉल किया तो वहाँ से कोई आया नहीं। फिर हमने दो तीन बार, हाँ हमने किया पुलिस को कॉल। क्या मतलब कितना घंटा? मतलब 1 से 1.25 घंटा हो गया हमने कॉल किया और कोई आया नहीं। पुलिस मतलब 1 से 1.25 घंटा? हाँ कोई नहीं आया। अभी भी पुलिस